पहले ही दिन नहीं खरीदा गया किसानों का गेहूं, जानिए क्या रही वजह। अनाज मंडी खरखौदा में आज गेहूं की खरीद होने का पहला दिन था। मंडी में किसान गेहूं लेकर तो पहुंचे, लेकिन खरीद नहीं हो पाई। मंडी में पहुंचे गेहूं में नमी होने व ठीक प्रकार से साफ नहीं होना खरीद ना होने का कारण बताया गया है। मंडी में मौजूद क्वालिटी इंस्पेक्टर रचना शर्मा व डिपो इंस्पेक्टर अमित दहिया ने कहा कि नमी के खत्म होने व गेहूं को साफ करवाने के बाद ही खरीद की जाएगी। बृहस्पतिवार को मंडी में गेहूं की खरीद एफसीआई द्वारा की जानी थी। वहीं इस दौरान मंडी आरती प्रधान नरेश दहिया ने बताया कि खरखौदा अनाज मंडी में साफ सफाई पुख्ता नहीं होने, चार दीवारी टूटी होने के साथ ही पेयजल की भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं खरखौदा एसडीएम अनमोल ने अनाज मंडी खरखौदा का दौरा कर मंडी की जाँच की तो वहाँ कई प्रकार की खामियां मिली, जहाँ डॉक्टर अनमोल ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जल्दी ही अनाज मंडी में सारी सुविधाएं करवाई जाए। ऐसा अजीत कमी तो नियत और नीति की है, नहीं तो किसान का गेहूं है बढ़िया गेहूं है, और इससे बढ़िया गेहूं होता भी नहीं किसान के पास। को फैक्ट्री में थोड़ा बनता है, किसान तो अपने खेत में उगाता है। थोड़ा मोटा 19-21, थोड़ा मोटा नरम गरम, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। नियत और नीति का फर्क है। सरकार की नीति है किसान को बर्बाद करना, किसान को दुखी करना, आड़तियों को चोर बताना, इसके अलावा इनके दूध की फैक्ट्री चलाना 24 घंटे। और कोई हिंदुस्तान में कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, सिर्फ एक मोदी की जूट की फैक्ट्री चल रही है। कल मनोहर लाल ने बयान दिया था, हमारे पुख्ता अंजाम है खरीद के। आप पुख्ता अंजाम देखिए, कितना बारदाने के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ कहाँ सफाई है। आप यहाँ देखो, एक लोकल मंडी की भी इससे अच्छी दिशा पा सकती है, जैसे मेरी खरखौदा मंडी की दिशा है। अब पानी का प्रबंध देखिए, पीने के पानी का इंजाम है, कूलर तो है पर पानी नहीं है। वो ऐसा कूलर है उसको कबाड़ी भी लेने का मना कर देगा। आप सरकार की नीति और नीति ऐसी है कि किसान को दुखी करना। आज मेरे एरिया में करीबन करीब 100 किसानों के पास मैसेज गया होगा। कार्ती को कोई ज्ञान नहीं, एक दो तीन किसान गेहूं लेके आए हैं जिनका कटिया है। कुछ किसान ना का जो गेहूं कटिया हुआ, ट्रालियां भरी खड़ी हैं अच्छे गेहूं की, उनके पास कोई मैसेज नहीं है। उन किसानों के पास मैसेज है जिन किसानों के आज से 10 दिन में गेहूं कटेंगे, वो दोबारा फिर कहेगा कल जो फिर मैसेज आएंगे वो पता नहीं किन किसानों के आएंगे। ना तो सरकार ने पहले ये पता करो, जैसे पिछली दफा थी कल किसका कंबाइन चलेगी, हम बताते थे जी कल उसके गेहूं आएंगे। आप उसका देखिए कितना रजिस्टर्ड हो रहा है आपके पोर्टल पे, उसका गेट पास कल के लिए डाल दो। ये चंडीगढ़ से आ रहा है, पहले एक कहावत होया करती अब बिजली गई भाई पीछे से गई, पीछे का पता नहीं कहाँ है वो, कोई किसी अधिकारी के ऊपर से आ जाए, ऊपर का पता नहीं क्या है। ये तो ऊपर से ही मैसेज आ रहा है, ना तो आरती को पता ना बेचारे किसान। कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनको मैसेज पढ़ना ही नहीं आता, अगले दिन पता लगता है कोई मैसेज आ जाता तेरे पास। ये क्या करना चाह रही है सरकार, क्यों इतना किसान को परेशान कर रही है। पर कोई बात नहीं, कितने दिन करेंगे इन सरकारों का ऐसा हाल करेगी। सरकारें जो जितनी गुमराह कर रही है, लोगों को दुखी कर रही है। आप पंजाब से देखो, हरियाणा में देखो, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पैर टेकने की जगह नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात ना, और 5-6 महीने साल एक साल और दुखी कर लेंगे। वक्त हमारा, हम तो रावण का भी नहीं चले। ये तो चीज क्या है, लोगों के वोट से तो बन रही है, लोगों को ही तंग करने लग रहे। आज भाई साहब ये गेहूँ आया हुआ है, ठीक है हमारे अधिकारी यानी इनको सच्चाई में तो हटा दिया गेहूँ नहीं लेना, पर इनको एक ओटा होता है कि यहाँ कहते किसान नाराज ना होता। नमी है, सफाई नहीं है, बारदाना तो है नहीं, नमी सफाई हो तो फिर क्या हो, बारदाना है नहीं, अंजाम है नहीं, डलेंगे किस चीज़ में, जब तुम डलेंगे किस में, तुलाई कैसे होगी। और मैं आपको एक सच्चाई की हकीकत बताता हूँ, अभी तो हमारे को भी ये नहीं बता दिया, हमारे को तो अधिकारी आते हैं आतंकवादी की नजर से देखे, हमारे को अभी ये भी नहीं बता दिया कोई किसी भी अधिकारी ने, इसका कैसे कैसे आप भराई करानी है, कैसे तुलाई करानी है, इसकी क्या मजदूरी होगी, भाई क्या तुम्हें देंगे नहीं देंगे, भाई हमें आदत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अखबार एक बोरबरी किसी अधिकारी नागा मुझे बात नहीं कर लिया आज तक भी, भाई जी कोई भी कलियर इन अधिकारियों नहीं पता। मीटिंग में मीटिंग परसों बयान था मुख्यमंत्री का,
अभी हम किसान को पैसा देंगे, किसान आड़ती आडत देगा। कल उन्हें कह देंगे ना आडत सरकार देगी। हर घंटे में अलग बयान बदलते हैं, हर घंटे में नई चिट्ठी आती है। अभी तो देखो कितनी बड़ा अनमाटी करेंगे किसान की। पहले तो 4 महीने से किसान बेचारा रोड पर पड़ा है, अब ये फसल आई है जिसको हम पीड़ा सोना कहते हैं, अंदाता कहते हैं, कहने को तो ये अंदाता है, पर आज सरकार ने यह आतंकवादी दिखाई दे रही है। कोई व्यवस्था नहीं है, आप तसली करो, गेहूं को भी देख सकते हो, कोई ठीक है, नीति नहीं है, नियत नीति में निर्भर करता ना। गेहूं को, गेहूं खराब होने वाली चीज है, क्या क्या खराब होता है गेहूं का, जिसको हम खाते हैं उसको खराब बतावा, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की पॉलिसी ऐसी। हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।